हे मॉर्निंग गाइस, सो डे 3। सो आज अपन चलेंगे यहाँ से हैसलीबर्ग, विच इज़ अ वेरी स्मॉल माउंटेन टाउन नियर ल्यूसन। सो हैसलीबर्ग से अपन चलेंगे ग्रिमसेल पास, फुरका पास, उसके बाद बेलवेडर होटल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने इंस्टाग्राम बहुत बार देखा होगा। वो सारा खत्म करने के बाद देन विल बी कमिंग बैक डाउन टुवर्ड्स लेक ब्रियंस। उसके बाद वी हैव टू ड्राइव टुवर्ड्स इंटरलैकन। इंटरलैकन का ब्लॉग कल आएगा, बस आज अपन लेक ब्रियंस एंड ये सारा पासेस एंड अपना इंटरलैकन ब्रियंस एंड ये पासेस, इतना अपन आज का प्लान इतना खत्म होना चाहिए। प्लान तो था कि 7 बजे निकलेंगे, बट इट्स ऑलरेडी 9 AM राइट नाउ एंड आई विश वी कैन वेक अप टू सच सीन्स एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग। मैन सो स्वीट, ऐसे वाले वेदर में तो स्टॉपलॉस लगेगा तब भी कुछ नहीं लगेगा। इट्स सो गुड, सो क्लीन, प्रॉपर हाइकिंग स्पॉट्स, पूरा चारों ओर माउंटेन से घिरा हुआ। हम ये रोड से आए थे, अब लौटेंगे अपन ये वाले रोड से। एंड दिस इज़ द ट्रेडमार्क साइन। स्विट्ज़रलैंड के सारे घर में आपको ऐसे फूल वाले बगीचे मिल जाएंगे, जैसे हमारा यहाँ यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हर जगह आपको ऐसे फूल वाले बगीचे मिल जाएंगे। स्वीट वेदर एंड लुक्स क्लीन फॉर पासेस एज वेल। आज अपन अच्छा से ड्राइव करेंगे लंबा वाला। एंड ये वाला रूम टूर तो मैंने आपको कल शायद दे भी दिया था। सो दिस वॉज अपना लाउंज स्पेस, टीवी भी एक था वहाँ पे, अपना ट्रेडिंग जोन था, काम अपना वेटिंग सब हुआ। सो दिस वॉज वन बेड, बैग्स एवरीथिंग हैज़ बीन पैक्ड। यहाँ पे एक छोटा वाला था, यहाँ पे एक छोटा वाला चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम में तो ऐसा कुछ डोर वोर नहीं था, वैसे ही बस डायरेक्टली वैसे था। एंड इट वॉज वन वॉशरूम एंड देन इट वॉज वन किचन। एंड यहाँ पे ऊपर में एक स्पेस था, जाके देखते हैं यहाँ पे। यस यू कैन सी दैट, यहाँ पे भी मस्त दो सुंदर सुंदर बेड। एंड यहाँ से सुबह का टाइम है, पूरा आपको व्यू आता है, देखो यहाँ से पूरा माउंटेन्स का व्यू यहाँ पर सीधा सोने का, लवली। ये लोग का बिजनेस मस्त है, ऐसे ऐसे छोटा छोटा लॉफ्ट बना देते हैं, दे कैन इजिली अर्न 30 to 35,000 रुपीज़ पर नाइट। ऐसे अगर 10 रूम बना दो एक दिन में ही 3-4 लाख रुपये ऐसे ही हो गए। चलो अभी चलते हैं, बहुत कोई लंबा होगा तो उसके लिए भी डेंजर है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। चलो लेट्स गो। यस यस, रूम इज़ टू स्मॉल, लो हाइट। हो गया अपना आज का चेकआउट, वर्कआउट करते हैं, निकलते हैं। वीडियो एडिट एवरीथिंग हैज़ बीन डन। ये वीडियो है क्लोज टू 1 घंटे वाला वीडियो, हो चुका है, देखते हैं रेंडर हुआ कि नहीं। एडिट तो हो चुका, हाँ यस वीडियो हो चुका है, बट 4K में अभी तक एडिट रेंडर नहीं हुई, तो टाइम लगने वाला है थोड़ा। अभी ओनली 360p में दिखा रहा है, मे बी 1 घंटे के अंदर 4K होते ही मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। चलो लेट्स गो। यस रेडी। वेयर इज योर जैकेट? वी आर गोइंग टू द पासेस, इट्स गोइंग टू बी वेरी कोल्ड। यू रेडी? चले चलो बेटा। यू रेडी? यस। ओके एंड वेयर इज योर कैप? वेयर इज योर कैप? नो नीड ऑफ कैप, ओनली दिस। ओके, मेरा प्रॉपर रील लोकेशन है, प्रॉपर रील लोकेशन। ऐसा लोकेशन मिल जाएगा तो अनलिमिटेड रील्स बन जाएगा। ए लीरा, आर यू टेकिंग मम्मीज रील और व्हाट? हैं ओके ओके, क्लिक के फोटो। यू आर द न्यू असिस्टेंट। ओके एंड ट्रैवल के टाइम सबसे बेस्ट ऐसा हाइड्रेशन टैबलेट्स ले आओ, मस्त पानी के साथ मिला के पीने का। दुबई में तो दिस इज लाइक शिट एक्सपेंसिव। आई थिंक आई पेड समवेयर अराउंड 1200 रुपीज़ फॉर दिस स्मॉल पैकेट। अमेजोन इंडिया में सेम वाला 300 रुपये में मिलता है। मैंने GSA कि मैं कितना सारा मैंने खरीद के रखा हुआ था, एक 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 टैबलेट ट्रैवल के टाइम पानी में डाल के पी दो, आधा दिन तो ऐसे ही चला जाएगा। जाने का टाइम आ चुका है, वेबाइल स्पेक्स लेके निकलते हैं। मस्त कोजी कोजी रूम्स। चलो चलो चलो। क्रिस्टल वेदर, वेरी ज्यादा बैग, ब्रिंग ये, ब्रिंग द बैग। ये लोग का सिस्टम बाकी बहुत चुतिया वाला है। अभी फॉर एग्जांपल जब मैंने booking.com में बुक किया था, तब आई डोंट नो हाउ 2 adults प्लस 1 kid नहीं हो गया, ओनली वो 2 adults हो गया। तो अभी वो बोल रहा है कि किड के लिए एक्स्ट्रा आपको और 7,000 ऐसा कुछ देना पड़ेगा। सो ऑल इन ऑल टोटल भाई
32,000 पर नाइट ले गया है व्हेन वी डिड नॉट इवन स्टे मोर देन मे बी कितना 12 या 14 घंटा फिर नहीं रुके हूँ। एंड ऊपर से ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट रहता तो फिर अलग पैसा बहुत ज़्यादा होता है। ब्रेकफास्ट आई थिंक 2,000 या 3,000 ऐसा कुछ था एक बंदे का, ओनली वो भी इतना बेकार वाहियात वाला ब्रेकफास्ट मिलता है ये सब। चलो एनी वे स्विट्जरलैंड इज प्रीटी एक्सपेंसिव। ब्रेकफास्ट का तो मेरे को समझ में आता है कि आप एक्स्ट्रा एक बंदे का पैसा ले लो, बट ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया, ओनली रूम पे रहने का, वो भी बच्चे का, उसका भी एक्स्ट्रा पैसा भाई यार। चलो यू हैव केप्ट ऑल द स्मॉल बैग्स इनसाइड। यस। चलो रिया, हु वांट्स टू ड्राइव? मम्मी विल ड्राइव और शैल आई ड्राइव? यू कैन ड्राइव मम्मी। नो नो, मम्मी विल ड्राइव। मम्मी विल ड्राइव। अभी अपन निकलेंगे यहाँ से हैसलीबर्ग से, सीधा अपन चलेंगे ग्रिम्सेल पास, ग्रिम्सेल पास से चलेंगे अपन फुरका पास। सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम ज्यूरिक, अगर ज्यूरिक में अपन लैंड करते हो, सबसे पहला दिन आपको ज्यूरिक से एंडरमेट आना चाहिए। अगर आप एंडरमेट की तरफ नहीं जाते हो देन ज्यूरिक से ल्यूसन भी आ सकते हो, ल्यूसन से ये सारा पासेस भी कर सकते हो। नॉर्मली व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ अगर आप ज्यूरिक से आ रहे हो, ज्यूरिक से पहले पहुंचो एंडरमेट। एंडरमेट बहुत मस्त वाला टाउन है, केबल कार सब कुछ है, ओवरलो पास वहाँ पर है, वहाँ पर एक रात बिताओ या फिर दो रात भी बिताओ, बहुत मस्त ज़बरदस्त जगह है। उसके बाद जाके वहाँ से आप फुरका पास ग्रिम्सेल पास ले के उसके बाद जाके आओ अपना ये हैसलीबर्ग या फिर ल्यूसन में जाके आप रुक सकते हो। उसके बाद जाके ल्यूसन से आप ब्रियंज एंड इंटरलाकन की तरफ जा सकते हो। हमने थोड़ा चेंज किया क्योंकि हमें कार रिटर्न करना था, नहीं तो द बेस्ट पार्ट इज ज्यूरिक से एंडरमेट वैसे ही अपने आए थे अपने डे वन, उसके बाद जाके एंडरमेट से पैसेज दे के अपने को ल्यूसन आना था। चलो अभी अपन निकलते हैं ड्राइविंग बिकॉज वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। निकल चुके हैं यहाँ से हैसलीबर्ग से, अपन जाएंगे फुरका पास। सो जब भी आप रोड ट्रिप करते हो, दिस इज़ अ वेरी प्रो टिप। प्रो टिप ये है कि आप कभी भी गूगल मैप्स हो या वेज मैप्स हो, साइकिक मैप, जो भी मैप यूज हो, गूगल मैप्स तो यूज़ मत ही करो। गूगल मैप्स जस्ट यूज टू फिगर आउट द लैट लॉन्ग या फिर कुछ भी। नॉर्मली अगर आपको कोई भी एक वे पॉइंट को जाना है पकड़ लो, अभी अगर अपने को फुरका पास जाना है, हैसलीबर से फुरका पास जाना है, तो कभी भी आप फुरका पास डायरेक्टली मैप में मत मारना, क्योंकि मैप क्या करेगा आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिखाएगा, जबकि आपको शॉर्टेस्ट पाथ नहीं जाना है, आपको ऑफ द बीट पाथ जाना है, मतलब जो वही रोड पे जाना है जहां पे आपको अपना जो सब वे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली आपका डेस्टिनेशन मार दो वो क्या करेगा आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिखाएगा, एंड शॉर्टेस्ट पाथ मतलब हाईवेज हो गया, टोल वाले रोड हो गए, तो वो सारे रोड पे आप जाओगे तो आप कोई भी आप सीन्स एंजॉय नहीं करोगे, सारा सीनिक वाला रोड उसको स्किप कर देगा। सो बेसिकली द पॉइंट इज आपको कभी भी अगर कभी डेस्टिनेशन में जाना है तो आपके पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में अगर जो भी लोकेशंस होंगे वो लोकेशंस के लैट लॉन्ग को पहले आपको मॉनिटर करना है, उसको पहले नोट करना है, एंड एक एक करके वही लैट लॉन्ग को मारना है। जैसे आपको जो रोड आप मैप पे देखे होगे वही रोड पे ही आपको लेके जाएगा। अगर आप ब्रूनेश, एक सेकेंड में पहले यहाँ पे अपन लेफ्ट मार लेते हैं। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल अभी अपने को फुरका पास जाना था, वो हमें शॉर्टकट वाला रोड पे लेके चले जाता, बट नाउ वी आर एक्चुअली टेकिंग द लॉन्ग राउट। अपन लॉन्ग राउट लेके एक 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 करके वे पॉइंट को क्रॉस कर करके जाएंगे। तो वही होता है कि आप अगर डायरेक्टली डेस्टिनेशन मार दोगे फंसोगे, आपको पूरा शॉर्टेस्ट पाथ में ले जाएगा एंड यू विल मिसिंग ए लॉट ऑफ स्टफ। तो अभी अपन ब्रूनिंग वाला रोड, ब्रूनिंग रोड इज अगेन ए वेरी सीनिक वाला रोड। सो अपन ल्यूसन से ब्रूनिंग रोड होके फुरका पास, सो अभी ब्रूनिंग वाला ही चल हुए हम देख सकते हो कितना सुंदर 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 छोटा छोटा रेस्टोरेंट। ओह लवली। Something? No.
हमारे पासेस के पास और एक भी मस्त वाला पास है सस्टेन पास, जो हमने मिस किया एक्चुअली, वी कुडंट गो क्योंकि सस्टेन पास में अभी तो रॉक फॉल हुआ है. सो द पुलिस ऑन द वेबसाइट इट वॉज सेइंग कि यू डोंट नीड टू गो टू दैट पास, क्योंकि अगर ऊपर जाते हो आधे किलोमीटर से फिर उसके आपको रिटर्न करके आना पड़ेगा. बहुत सारा जगह में रॉक फॉल हो गए, रास्ता भी टूट चुका है एंड रास्ता भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी बोल रहे हैं और 2 या 3 महीने लगेगा. बट अगर आप कभी भी बाद में आते हो तो सस्टेन पास इज हाईली रिकमेंडेड. बट ये है कि आप जिस दिन सस्टेन पास करोगे उस दिन ये फुरका पास, ग्रीमसेल पास, ये सब आप नहीं कर सकते. मैं भी उस दिन वो सोच के आया था बट एक्चुअली इट वॉज वेरी टफ टू डू इट. बेस्ट इज आप एक दिन पूरा डेडिकेटेड रखो, ज्यूरिख से आओ, लेट्स से ज्यूरिख से आके आप यहाँ पे ल्यूसन में भी रुक सकते हो, ल्यूसन से एक नाइट पूरा ऊपर जाओ, सस्टेन पास जाओ, सस्टेन पास से नीचे आके सस्टेन पास से नीचे में कोई एक बीएनबी लेके रह जाओ, उसके बाद जाके नेक्स्ट डे में निकलो आप सस्टेन पास से, निकलो एंडरमैट भाया फुरका पास एंड ग्रीमसेल पास, ये वाला होगा बेस्ट वाला ट्रिप. अगर आप डायरेक्टली कर देते हो सस्टेन पास को फुरका पास एक दिन में रखते हो, इट बी वेरी टफ टू डू इट, क्योंकि रोड्स बहुत ही ज़्यादा नैरो है, तो यू वोंट बी एबल टू ड्राइव इट फास्ट. आपको लगेगा कि वो कंप्लीट कर दोगे, मैप भी दिखाएगा आपको एक घंटा, बट जब तक आप चलाओगे आराम से वहाँ पे 4-5 घंटा ऐसे ही चले, बिकॉज इट्स सो सीनिक, आपको बहुत बार रुकना भी पड़ेगा, रोड्स भी बहुत पतले हैं. सो मेक सेंस कि सस्टेन पास के लिए पूरा एक डेडिकेटेड नाइट चाहिए. विद फर्स्ट 20-30 किलोमीटर्स ग्रूनिंग दे गए अपन, अभी नीचे जा रहे थे. ये एक अच्छा खासा जगह है टिपीडॉर्फ, यहाँ पे आप रुक सकते हो. यहाँ से मस्त वाला हाइक भी है, हैसली एक्टिव टिपीडॉर्फ पार्किंग. मैं तो रोड पे ही पार्किंग कर दिया हूँ, नीचे से अपन निकल जाएंगे अभी, जस्ट खाली थोड़ा वीडियो लेके. ये लोग का कल्चर मस्त है, कहीं भी आते हैं पार्किंग करते हैं जंगल वंगल में, उसके बाद जाके टोटल निकल जाते हैं. उनके हाइक पे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट वेग, मतलब आगे जाने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ परमिशन में भी लगेगा, और अपने कौन सा जाना है ऊपर से पूरा हाइक करके आप जंगल के अंदर जाके नीचे भी जल्दी देखो. पूरा फैमिली पूरा हाइक करने आए हुए थे, सुबह सुबह आ जाते हैं, हाइक खत्म करके फिर निकलते हैं. यहाँ से पूरा नीचे भी जा सकते, अभी अपने को लेट हो जाएगा, निकलते हैं. मैं बहुत जगह में आपको ऐसे माउंटेन पास ऐसे मिल जाएंगे, रोड बहुत जगह अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है, क्योंकि मतलब ये पहाड़ से पत्थर उत्थर गिर के रोड टूट जाता है जब ये लोग बंद कर देते हैं. तो आपको देखना है कि आप जब भी आओ आपको कोई भी लाइट्स अगर ऐसा रेड होगा वेट करें, इसका मतलब है कि उस तरफ वालों का ग्रीन है, वो लोग जब ये रोड से आएंगे ये वाला रोड पूरा क्लियर होगा, वो लोग आने के बाद ये ग्रीन होगा, मैं जाऊँगा उसके वो लोग के लिए रेड होगा, जब मैं क्लियर कर जाऊँगा उनके लिए ग्रीन होगा, वो फिर से अभी देखो उस तरफ से गाड़ी आ रहे हैं, ये लोग जब चले जाएंगे तभी जाके ये ग्रीन होगा, उसके बाद जाके मैं जाऊँगा. यहाँ पे सारे उनका सेंसर भेजो, कोई बंदा नहीं रहता है, वो सेंसर लगा के रख देते हैं. यहाँ पे गाड़ी फुल हुआ मतलब ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है, जैसे उस तरफ से गाड़ी पूरा खाली हो जाएगा वो ग्रीन रेड हो जाएगा एंड इस तरफ वाला ग्रीन हो जाएगा. सो 20-30 किलोमीटर्स हो गया, यहाँ पर पहुँच गया है मेयरिंगेन, एंड यहाँ पे देखो सारा ऑप्शंस भी दे दिया गया है, शेरलॉक होम्स का म्यूजियम, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, स्विमिंग वूमिंग कर, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है. आप कहीं भी जाओ स्विट्जरलैंड को ये चीज़ मिल जाएगा, केबल कार्स, एंड केबल कार्स एक्सपीरियंस इज दी बेस्ट. कैंपिंग के लिए भी ऑप्शन है, वेलकम इन मतलब वेलकम. स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया मैंने देखा कि आपको रोड ट्रिप अगर आपको करने का इंटरेस्ट नहीं है कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से ट्रेन में कहीं भी जा सकते हो. बेस्ट इज आप कोई भी छोटे टाउन को भी चले जाओ, वहाँ पे मस्त बड़ा बड़ा पूरा रहेगा केबल कार, वो लेके पूरा आपको ऊपर लेके जाएगा. स्की एक्सपीरियंस की तो आता नहीं है, बट एटलीस्ट यू विल बी गेटिंग ए लॉट ऑफ स्पेस टू एन्जॉय द स्नो आइस. केबल कार पूरा पहाड़ के चोटी तक वो लेके जाएगा, फिर आपको नीचे लेके आए. ऑस्ट्रिया में तो हम लोग 2-3 किए थे, यहाँ टाइम नहीं हो रहा क्योंकि बहुत ड्राइविंग डिस्टेंस बहुत रहता है, बट देखते हैं अगर आज टाइम होता था एक नए केबल कार मारेंगे. मेरिंगन में भी है, आई डोंट थिंक सो वी कैन मेक इट बिकॉज अपने को पहुँचते पहुँचते बहुत शाम हो जाए, यहाँ तो वैसे भी आपको जल्दी पहुँचना पड़ता है. तो और थोड़ा आगे आने के बाद मेरिंगर से और 15-20 किलोमीटर्स के बाद ये आ जाता है, क्या है, आयरनस्कुल्ड. यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, आयरनस्कुल्ड कुछ लिखा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है एंड सारे लोग आए हुए हैं. यहाँ से जाके मे बी उस तरफ से जाके अंदर जाने का है, क्लोज दिखा रहा है एनगैंग मतलब एंट्रेंस, वहाँ पे लोग तो जा रहे हैं, नो आइडिया व्हाट, एक बार जाके वहाँ देख लेते हैं. सो दिस इज हाउ द प्लेस लुक्स लाइक. यहाँ से नीचे जाने के बाद एक छोटा वाला टाउन आएगा, टाउन का नाम क्या है, आयरनस्कुल्ड ओएसटी वेंडबर्ग हाइकिंग ट्रेल. 45 मिनट ओके, हाइकिंग ट्रेल ये है. यहाँ से कैसे कैसे आगे जाना है आपको ऑप्शन दे दिया गया. हम लोग यहाँ से आते मेरिंगर से आके ऐसे आके आयरनस्कुल्ड पे आके इनर किचन आगे आएगा. इनर किचन से आगे जाने के बाद उसके बाद जो कि अपना ग्रीमसेल पास है ना, फुरका पास उस तरफ से आएगा. सो ये सारे लोग आए हुए हैं, सारे हाइकिंग वाले हाइक करके फिर जाएंगे, यहाँ से वॉक करके ऊपर नीचे टाउन तक जाएंगे. वेट किए हुए हैं. Yesterday, I would handle this differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen.
that's not gonna happen. चलो अपन चलते हैं, अभी लेट हो जाएगा नहीं तो। इतना बार यहाँ पे एक्चुअली हर 5 मिनट में रुकना पड़ता है, इतना खतरनाक खतरनाक लोकेशन से। चलो लेट्स ड्राइव। So even if you're asking, even if you're asking, 'cause I do what I do. In a spot, 'cause I don't really like what I got, so I changed it bit by bit. It's not ungrateful, just being helpful for me. तो अभी अपन पहुंच चुके हैं गुटानेन स्मॉल विलेज टाउन। बट ये लोग का विलेज भी इतना अच्छा अच्छा बना है, स्वीट टू यू, तो कितना जबरदस्त बना है घर। उफ लवली ड्रिंकिंग वाटर। गुटानेन जगह दे दिया है, कहाँ से हाइक कर सकते हो, कहाँ साइकिलिंग वाला ट्रैक है, यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हो, सारा ऑप्शन भी मिल जाएगा। हम इस तरफ से भी आए, ल्यूसन ब्रूनिंग इस तरफ हो के, मेरिंगर हो के, अब इस तरफ से आओगे। ये सारे लोग जो भी जा रहे हैं सबको वही ग्रिम्सल पास एंड फुरका पास ही जा रहे हैं। सो ग्रिम्सल पास वाला भी स्नो दिखा रहा है अभी। यहाँ पे वेदर अच्छा है, और वहाँ नीचे जाने ऊपर जाने के बाद मालूम पड़ेगा कैसा क्या है। लुक एट द लोकेशन, टू गुड। चलो नाम जो सब है बाइक वाले एक्चुअली एंजॉय कर रहे हैं रोड पे। तो यहाँ पे बसेस वाला रोड शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। हम तो अभी जस्ट दो टर्न मार के ऊपर आए हुए हैं, और भी बहुत ऊपर जाना है, पूरा ऑलमोस्ट पूरा ऊपर तक जाना है। यहाँ पे स्नो देख रहे हैं आपको, पूरा ऊपर तक ये रास्ता जाएगा, ऊपर 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 ऊपर। तो ये आ गया अपना ग्रिम्सल हॉस्पिस। ये ऊपर में भी जा सकते हो, होटल ग्रिम्सल हॉस्पिस ऊपर में होटल भी है, 30-40,000 पर नाइट, बहुत आगे से बुक कर दो अच्छा प्राइस से मिल जाता है। तो ये वाला है वो लोकेशन ग्रिम्सल हॉस्पिस। बहुत ऊपर आने के बाद आपको ये वाला लोकेशन मिलेगा, एंड यहाँ से भी और भी ऊपर जाना पड़ेगा होटल तक जाने के लिए। और एक खुफिया रास्ता है, ये रास्ता पूरा पहाड़ के ऊपर पूरा चोटी तक जाएगा। अभी हम आए इस तरफ वाले रास्ते से आए, अभी अपन चलेंगे पूरा ऐसे होके पूरा ऊपर तक जाने का है। ग्रीन 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 कलर का पहाड़, होटल ग्रिम्सल हॉस्पिस। इन केस समवन वांट्स टू डू हाइकिंग एंड ऑल, देन उसको यहाँ पे आके रहना चाहिए, पूरा स्नो वनो सब कुछ एंजॉय करोगे रात।
ग्रिम्सल पास क्लोजिंग इन और जस्ट थोड़े रास्ते के बाद ग्रिम्सल पास भी अपन क्रॉस कर लेंगे. आई थिंक इट्स गोना टेक मोर 20 और 30 मिनट्स फॉर द ग्रिम्सल पास. योर ग्रिम्सल हॉस्पिस सिडल हॉर्न बहन ओबर लवन क्या क्या नाम सब है. ऊपर से जाके एक केबल कार और भी ऊपर तक लेके जाने, क्योंकि केबल कार का ऑप्शन भी है इन केस इफ यू आर नॉट डूइंग अ रोड ट्रिप. टैक्सी वैक्सी लेके आके यहाँ से फिर केबल कार लेके ऊपर भी जा सकते हैं. आई थिंक ऊपर में ट्रेन भी चलता हो क्योंकि यहाँ तो हर जगह ट्रेन दिख रहा है. आ गया अपना ग्रिम्सल पास वाला रोड. टू एल्पेन रॉसी, यहाँ भी एक होटल. पार्किंग तो यहाँ ज़बरदस्त, इस तरफ भी एक होटल. ऊपर में एक छोटा रेस्टोरेंट, यहाँ पे एक होटल है. हाइकिंग वाला स्पॉट्स परफेक्ट. ग्रिम्सल पास इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पासेस हियर इन स्विट्जरलैंड. जो भी आते हैं नॉर्मली ग्रिम्सल पास एंड फुरका पास कैसे भी करके कवर करना इज़ हाईली रिकमेंड. उस दिन हम लोग जब आए थे पूरा बारिश हो गया था, उस दिन मैं सोचा कि नहीं और एक बार तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा. तो ये है अपना ग्रिम्सल पास. ग्रिम्सल बडल ग्रिम्सल फुल डिटेल्स हम लोग अभी यहाँ से आए ग्रिम्सल हॉस्पिस. यहाँ से आके अभी हम लोग यहाँ पे है यस एग्जैक्टली. तो यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं हम लोग और थोड़ा नहीं, हम लोग ग्रिम्सल हॉस्पिटल से अभी हम लोग यहाँ पे है. यहाँ से हम लोग मे भी जाएंगे और थोड़ा ऊपर होके उस तरफ जाके. हम लोग इस तरफ से आके ऐसे होके आए हैं. ऐसे ऐसे होके नीचे जाके फिर से ऊपर भी आ सकते हैं. मोस्टली वी आर गोइंग टू रिटर्न बैक ऑन द सेम राउट ओनली. एंड उस दिन हम लोग जहाँ रुके हुए थे दिस वॉज अपना एंड्रोमैट गोठाड़ पास ग्लेस. तो आज हम लोग देख भी लिए इस तरफ वाला रोड. हम लोग ऐसे आए फिर ऐसे होते आए हुए. पहले जैकेट वैकेट लेके आते हैं, उसके बाद जाके थोड़ा नीचे में देखते हैं अगर कोई छोटा वाला हाइक वाला एरिया अगर हो. क्योंकि यहाँ से अभी हमें तो और 3-4 घंटे लगना चाहिए. तो 3-4 घंटा है मतलब बिफोर सनसेट वी विल इजीली रीच. कहाँ कहाँ ये जा रहा है too strong. I know that I said I-
तो ग्रिम्सल पास खत्म, अभी एक छोटा वाला टाउन ग्लेस्ट, उसके बाद जाके डोर टर्निंग आएंगे, इस तरफ जाने से फुरका, लेफ्ट जाने से फुरका, राइट जाने से और एक कौन सा बाड़ या बर्ड ऐसे कुछ जगह है। सेल पास से हम अभी नीचे आ चुके हैं ग्लेस टाउन के बाद। अभी आप देख सकते हो यहाँ जो आपको रोड दिख रहा है ऊपर ऊपर पूरा, वो ऊपर पहाड़ से पूरा ऊपर से हम लोग, वो था ग्रिम्सल पास उस तरफ, वहाँ से हम लोग ऐसे 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 होके नीचे से अभी यहाँ से आ रहे हैं। अभी ये फिर से उठ उठ के वहाँ पे है फुरका पास, वो जो एंड आपको दिख रहा है ऐसे 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 होके, अभी ऐसे 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 होके वैसे ऊपर तक जाएगा, उसके बाद जाके पहाड़ के उस तरफ आएगा अपना एंडरमैट। चलो लेट्स ड्राइव। Today, I would handle this differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking, 'cause I do what I do, and it's time for something new. Yeah. अपन पहुंच चुके हैं जो कि नाम है बेल्वेडे ग्लेस्टर रेस्टोरेंट होटल, एंड ये इंस्टाग्राम में सबसे ओल्डेस्ट होटल बोल सकते हो, लास्ट 10 साल से इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा यही वाला, जब भी कोई भी फोटो या वीडियो आप देखोगे स्विट्जरलैंड में ये वाला आपको दिखता होगा। यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा, मैं आपको ड्रोन से दिखाऊँ तो यू बी एबल टू नो, सेक्सी होटल है, पूरा लोकेशन पूरा भरा पड़ा हुआ है, मस्त वाला छोटा वाला पूरा, ये भी याद रखना। अपना बेल्वेडेर होटल, ये अपना कार मैंने यहाँ पार्क कर दी, यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल पूरा ऊपर से आ रहा है, यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है जाके खाना पीना करने के लिए, पार्किंग, कैफे, मिनरल वाटर, बाइकर्स तो बहुत दिख रहे हैं आज तो, क्योंकि वेदर मस्त है तो बाइकर्स पूरा निकल गए हैं आज, लवली वेदर। चलो तो फिर अभी ड्रोन को निकालते हैं, बिकॉज विदाउट ड्रोन यू वॉन्ट बी एबल टू नो। चलो अपना ड्रोनिंग वाला सेशन ख़त्म, अभी चलते हैं सुसु ब्रेक मार के उसके बाद फुरका पास चलेंगे, यहाँ पे तो बूढ़ा बूढ़ी सबको ही बाइक में, लवली सीन्स। आंटी जी साइकिल लेके आंटी, ये जो ये लोग क्या मस्त एंजॉय करते हैं, हमारे लोग खाली इधर उधर की बात करते हैं, बाइक पर सवार अंकल आंटी सारे बाइक वाले, ये अपना पुराना वाला Z4 खोल के छोड़ के चले गया मूसा सिलर दे, मैंने देखा है था लिखा हुआ है नो ट्रांस में, तो पूरा वीडियो था प्राइवेट फोटो। चलो काम खत्म हो चुका है, ख़त्म होने के बाद और कोई देखने की जरूरत, अगर मैं उड़ने से पहले देख लेता तो फिर आई वुड हैव नॉट फ्लोन। स्टेक रोटी बाजार, डू यू वांट टू हैव समथिंग? नो नो, ओनली यहां से रोटी क्या मस्त है। चलो देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए तो, स्विट्जरलैंड में एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, ये बड़े बड़े जिनसे मिल गए अच्छे। तो यहाँ से फुरका पास इज़ मोर आई थिंक, और अपने को 3 या 4 किलोमीटर आ जाना चाहिए, अपने को फिर से जल्दी से फिर डाउन हिल जाके ब्रियंस भी पहुँचा, ब्रियंस में भी आज बहुत सारा जगह जाना था, बट मेरे को नहीं लगता आज टाइम होगा,
देखते हैं, अगर टाइम होता है तो थोड़ा थोड़ा बस खाली देख के चले जाएंगे, नहीं तो कल फिर से निकलेंगे। अच्छा आइडिया, अंकल चला रहे हैं ये वाला, आंटी के लिए ये वाला दे दिए जिसमें ऑलरेडी चार पहिए हैं, तो बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं। लवली। फुटकापा से अभी अपने को बैक सीधा जाना है, चलेंगे होटल ब्रियंस। एंड फुटकापा से यहाँ बहुत सारा हाइकिंग स्पॉट, देखो जितना कार आपको दिख रहा है, यहाँ एक हाइक है, यहाँ एक हाइक है, वहाँ मतलब कितना सारा सीक्रेट हाइक जोन है। जो जो पासेस थे एवरीथिंग हैज़ बीन डन, फुरका पास, ग्रिमसेल पास, जो जो मेन मेन पास है सारे डन। अभी अपन नीचे जाएंगे बैक टू ब्रियंस। सो ब्रियंस जाने के लिए अभी अपने को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी फिर से पूरा अप हिल डाउन हिल। चलो लेट्स ड्राइव। Thank you.
अभी पासेस से हम लोग पूरा पहाड़ वहाड़ खत्म करके नीचे आ चुके हैं। एंड ये ऊपर नीचे में इतना ज़्यादा तेल खत्म होता है, जैसे सेम एग्जैक्टली ईवी में जैसे पावर खत्म होता है, तेल भी खतरनाक खत्म होता है जैसे अब ऊपर चढ़ते, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। चलो अभी अपन नीचे ऑलरेडी आ चुके, अभी तो खतरनाक फिर से सूसू लगा है, फिर से कहीं एक पेट्रोल पम्प देख के जाएंगे। आज थोड़ा कुछ अंडा वंडा लेके शॉपिंग करके जाएंगे, कुछ खाएंगे। तीन चार दिन से अपन अच्छे से खाए भी नहीं, पूरा स्ट्रिक्ट कीटो चल रहा है। देखते हैं आज अंडा वंडा कुछ अच्छा बनाए खाएंगे। लेट्स ड्राइव। को ड्राइव करना क्लोज टू 2 घंटा, एंड ये एक मस्त वाला जगह आया जैसे ही केम डाउन। लवली। हाँ, कार को यहाँ पार्क कर दिया गया है। या व्हाट्स अप, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स ड्राइव नाउ। ओके, क्लोज द डोर। चलो चलो चलो, अब भूख भी लग रहा है और 2 मिनट ड्राइव भी करना है, शाम से पहले पहुंच जाना चाहिए। लेट्स की नॉट फाउंड। अपना लेक ब्रियंस वाला एरिया, पार्किंग में कैसे पे करने का देखना पड़ेगा। पार्किंग साला इंग्लिश में भी लिखा नहीं है। आई पार्क बट आई एम स्टिल सर्चिंग की हाउ टू पार्क, ये वाला पेपर ला के डाल देंगे, देखते हैं। सो यहाँ से ब्रियंस से अपन अभी सीधा चलेंगे इंटरलाकेन। इंटरलाकेन तो आज मे बी अपन ओनली सिटी को क्रॉस करके सीधा होटल में चले जाएंगे। इंटरलाकेन वॉज दैट प्लेस जहाँ पे आपको होटल कभी भी नहीं मिलेगा अनलेस यू आर बुकिंग लाइक 2 or 3 months बिफोर कमिंग टू स्विट्जरलैंड। सारा मिलता ही नहीं जर्मन इंग्लिश, भाई इंग्लिश 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 कहाँ है, कार्ड मारना पड़ेगा उसके बाद क्या मालूम, देखते हैं। तो इंटरलाकेन में एवर प्लानिंग टू कम टू स्विट्जरलैंड, इंटरलाकेन का हो गया, लॉटरबरुन हो गया, ये सारा होटल होगा बहुत जल्दी, ग्रिंडलवाल्ड हो गया, भाई ये तीन जगह में कभी भी होटल नहीं मिलता। मैं जब ढूंढ रहा था सारे दिखा रहा था 1 लाख 2 लाख, मैं उसी लिए ढूंढ के लास्ट में मेरे को जो मिला थोड़ा वो दूर है, जैसे आज वाला जो है वो इंटरलाकेन से और 9 or 10 kilometers दूर है। अभी मेरे को वहाँ तक जाना पड़ेगा, हम इंटरलाकेन सिटी ऊपर क्रॉस करें उसके बाद जाके आगे जाएंगे। For me, yeah. I gotta go, I fly.
पहुंच गए भाई लोग अभी अपन इंटरलेकेन में। इंटरलेकेन में तो होटल नहीं मिल रहा था, सो वी बुक डे होटल लाइक विच इज़ लाइक 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंटरलेकेन। द प्लेस नेम इज़ हैबकर्न एंड इतना ज़बरदस्त नीचे में जब लोग आ रहे थे मैं डर रहा था, इसलिए लगा इतना ऊपर ले गया जंगल में कहाँ पे घर ही नहीं थे। जैसे ही एरिया पहुँचे ओहो मतलब इतना सुंदर घर सुपरब्लेट में जो सोचती हूँ। अला घर देखो कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन में बना रहे हैं ये लोग घर। यहाँ पे ये वाला घर हमारा जो होटल है दैट इज़ दिस वन। यहाँ पे मे बी अपने को पार्किंग करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इट सेज़ वेलकम इन, यहाँ से मेन रोड है इधर से जाके वहाँ पे। ओफ इतना सुंदर घर, लवली। लेट मी गेट ऑल द फोटोज वंस, सेक्सी। चलो आपको मैं रूम टूर दे देता हूँ। डू यू फाइंड वेयर टू डू द चेक इन? पार्क प्लेट, यस, पार्किंग इज दिस साइड। सेल्फ चेक इन, दिस इज सेल्फ चेक इन। हे, सेल्फ चेक इन इज ऑन द टॉप, सो मे बी यू कैन फाइंड अवर नेम्स ऑन द टॉप। गो एंड चेक इफ यू सी सुमेंद्र जैन समवेयर। ये लोग का ये लोग बंद करके टोटल निकल जाते हैं, टाइम हो गया। मे बी सुमेंद्र जैन है, कहते रूम नंबर कहते ओपन इट चेक। यही है इनका सिस्टम, रिसेप्शन में कोई नहीं रहेगा, वो लोग एक पेपर के अंदर नाम वाम सब कुछ डाल के वो चले गया होगा। टियर इट ऑफ, सुंदर है एरिया टा, रील पे ही पूरा है। इट तो जोर से कथा हवा को डर लगुच के ही लोग देखाउ ना। अच्छा सेठी पूरा कथा होता हो जंते जोर, इट रील पे ही जे साड़ी पहन के रील तो एटी बनया कथा खतरा ही नहीं। लोकेशन टा चेक, विच इज़ रूम नंबर, वॉट इज़ रूम नंबर, चेक चेक चेक। तो अभी चेक इन इंस्ट्रक्शन आ चुका है नाम के साथ। यू हैव गॉट द अपना चाबी एंड अपना ये पार्किंग वाला स्टिकर, बिकॉज स्विट्जरलैंड में सब कुछ यहाँ पेड पार्किंग रहता है, तो होटल वाला आपके लिए एक पार्किंग वाला स्टिकर बना दिया। स्टिकर को बस यहाँ रखने से आपको पेनल्टी नहीं लगेगा रात भर, दिस वन इज़ अलाउड। और इसको छोड़ के अब और क्या क्या दिया है डिटेल्स जो है, वाईफाई पासवर्ड वासवर्ड वो तो अपन जाके देख लेंगे। चलो लेट्स गो एंड चेक द रूम। मैं तो कार को डाल दिया हूँ, फिर जाते हैं देख के आते हैं। कहाँ इतना सारा घर दिख रहा है बट लोग कोई एक भी बाहर नहीं दिख रहा है, सब अंदर। इंडिया में होता तो सब कोई बाहर में बैठ गया मस्त चलता। चलो देखते हैं जाके कहाँ पे है अपना रूम। और ज़बरदस्त हुआ है पूरा, परफेक्ट रील लोकेशन, परफेक्ट। चलो देखते हैं अपना रूम कैसा क्या है। कोई नहीं रहता है, देखो घर ऐसे ही वो खाली छोड़ के निकल जाते हैं बस आपको चाबी पकड़ा के, बिकॉज देर ट्रस्ट क्या कुछ नहीं करोगे। 201 किधर है, 204, 205, 202, 201, यस। हाँ कोजी लवली, यहाँ पे काम करेंगे। हाँ परफेक्ट, वॉशरूम इधर, यहाँ परफेक्ट। आई थिंक दे हैव अ शेयर्ड वॉशरूम फॉर दोज रूम्स, यस शेयर वॉशरूम, जी यस, दिस वन इज द शेयर वॉशरूम एंड ये अपना रूम है। चलो गैस आज का वीडियो अपने को यहीं एंड करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ आई नीड टू गो एंड स्टार्ट एडिटिंग द व्लॉग्स एंड ऑफिस का काम भी थोड़ा खत्म करेंगे। होपफुली यू लव द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। Protecting my peace for so long, a little too good, now I'm solo. Watching reruns of the same shows, almost every party I'm a no-show. Even with green lights I don't go, never been sure, no I don't know. How does everybody else let go of their ego? Don't go out nearly as much as I should, baby.